हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि मलाई से घी कैसे निकालें। ये मलाई जो है, ये पिछले 4-5 दिनों की मलाई इकट्ठी की हुई है मैंने। अब ये लगभग हो गई है कि मैं इससे घी निकालूं तो लगभग 250 ग्राम से ज्यादा घी मेरे पास आ जाएगा। इतनी मलाई ये हो गई है। मैं फुल क्रीम दूध लेती हूँ, वो मैं अलग से आपको बताऊंगी कि फुल क्रीम दूध से ज्यादा मलाई कैसे निकालूं। आज मैं आपको यही बताऊंगी कि मलाई से आप कैसे घी निकालेंगे। अंत तक आप इस वीडियो को देखते रहें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। ये मलाई मैंने लगभग 1.5 घंटे पहले निकाल ली है। अभी ये मेल्ट हो गई है। अभी मैं इसको पैन में डाल के गैस पे रखूंगी। ये मैंने 1.5 घंटे पहले इसीलिए निकाली है ताकि गैस ज्यादा कंज्यूम ना हो। तो मैं अभी गैस ऑन करके इसको पैन में रखती हूँ। इसको अभी आप मीडियम फ्लेम में चलते रहें बीच बीच में। आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हैं, ऑयल या घी स्टार्टिंग में, ताकि ये लगेगा नहीं। फिर आप देख सकते हैं कि इसमें घी ऊपर आने लगा है। ये 15 से 20 मिनट चलने के बाद में ऐसा हुआ है। देखिए, मलाई में से घी धीरे धीरे पूरा निकल रहा है। इसको आप थोड़ा मीडियम फ्लेम पे रखें, चलाते रहें। अभी 5 मिनट में पूरा घी ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा इससे। हमारा घी पूरी तरह बनके तैयार हो चुका है। अभी इसमें से और कुछ भी नहीं निकलेगा, पूरा काला काला हो गया है और घी है वो ऊपर सरफेस पे आ गया है। अभी फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको अलग बाउल में छान लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा घी बनके तैयार हो गया है। इसमें ये हमारा घी है और ये एक्सट्रैक्ट जो हुआ था वो है। तो अभी इसका कोई यूज नहीं है, हम इसको फेंक सकते हैं। और ये घी अभी थोड़ा गर्म है, ठंडा होने के बाद इसको हम अलग से डिब्बे में डाल के रख सकते हैं। ये घी नेचुरल है, सबसे बड़ी जो इसकी खूबी है। दूसरी खूबी ये है कि इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये न्यूट्रिशियस है, फुल ऑफ न्यूट्रिशन है। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो फिनिश करती हूँ। आप लोगों को कोई सजेशन देना हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।